तुम्हारा काम तमाम नष्ट। वेलकम माय फ्रेंड, आपसे मेरे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आऊँ ट्रांसफर राइस ऑफ द बीट्स का मूवी रिव्यू लेके। आपसे बता दूँ मूवी भाई बहुत ही धाकर दिखाई गई, मूवी भी एक्शन भी एक नंबर है भाई। बट आपसे बता दूँ चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब है, चैनल नोटिस वीडियोस के लिए ऐसी वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। बताते हैं कहानी कैसे स्टार्ट होती है। कहानी एक की से होती है जो एक पोर्टल खोलती है और उस की रक्षा मैक्सिमल करते हैं जो जानवर होते हैं ट्रांसफर जानवर्स, और उनका एक अलग से लीडर होता है। बट उस की को दो हिस्सों में बांट के एक लड़का होता है जो उसे लाने वाला होता है। उसके भी अलग फैमिली वाली प्रॉब्लम होती है, बस ट्रांसफार्मर्स उसी के ऊपर भरोसा करते। बट एक और लड़की होती है जो की को खोलने के लिए मदद करती है और ढूंढने के लिए भी मदद करती है। जैसे उस की को खोलती है तो एक एनर्जी पोर्टल खुलता है जिसमें प्राइम को लगता है कि हम इससे घर जा सकते हैं। इसी वजह से इसलिए प्राइम सारे ऑटोबॉट्स को बुलाता है कि हमें उस की को ढूंढना है, उसकी वजह से हम घर जा सकते हैं। बट भाई उसके पीछे विलन भी पड़े होते हैं जो मेगाट्रॉन से भी ज़्यादा ताकतवर होता है। ये विलन देख के भी खुश हो गया माए भाई, लेकिन ऑक्टोपस को इस तरह पीटता है कि मज़ा ही आ गया। बट लेकिन भाई इस मूवी पे विलन को मारते मारते भाई एक तो सेट वाली कहानी हो गई, बम्बलबी को भी मार देता है भाई। लेकिन देखते हुए ये हुई थी सेट खबर। लेकिन मूवी भाई जैसे जैसे आगे बढ़ते वैसे वैसे आपका दिमाग भी मज़ा आएगा और मूवी देखने भी मज़ा आएगा, क्योंकि इसकी हर वाली कहानी आपको बहुत ही मज़ा आने। और जो मैक्सिमल को भाई ट्रांसफॉर्मर्स जो होते हैं भाई इतनी गजब लगी कि मज़ा ही आ गया भाई। मूवी आपने नहीं देखी मूवी देख लीजिए, क्योंकि मूवी में बहुत ही मज़ा आने वाले हैं आप सभी को। फिर उसके बाद बम्बल में मरने के बाद सारे ऑटोबॉट्स एक जगह हो जाते हैं और इस मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए सारे के सारे एक प्लान बनाते हैं दूसरे की को ढूंढने के लिए। बट उसके पीछे फिर विलन पड़े होते हैं, फिर विलन से टक्कर होता है ऑक्टोपस प्राइम का। फिर ऑक्टोपस प्राइम बोलता है कि तुम लोगों का खात्मा मैं ही करूँगा भाई। लेकिन आगे से विलन भी कमज़ोर नहीं, विलन भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं। फिर ऑक्टोपस को एक हेल्प मिलती है मैक्सिमल से, मैक्सिमल चार पाँच भी वो भी होते हैं और वो भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ताकतवर दिखाई हुई इस मूवी पर मैक्सिमल को। ऑक्टोपस प्राइम को मारने के बाद प्राइम के पास इतनी ज़्यादा गुस्सा होती है कि मैं अगले बारी अगर युद्ध होगा तो मैं उसको ख़त्म ही कर दूंगा। लेकिन साइबरट्रॉन का प्लान कुछ अलग होता है, इस पृथ्वी को नष्ट करने का प्लान होता है। बट इस प्लान में सक्सेसफुल हो जाते हैं, प्राइम भी हार जाता है और मैक्सिमल भी हार जाते हैं। फिर मजा आता है डी एंड में एक लड़के के साथ जो हार नहीं मानता, हमारे पृथ्वी को ख़त्म नहीं होने दूंगा बोलता है। बट विलन साइबरट्रॉन आ ही जाता है हमारे दुनिया पर। फिर होती एंट्री हमारे बम्बलबी की, फिर होती भाई इतनी ज़्यादा फाइटिंग सीन दिखाया जाए, लास्ट में इतनी मज़ा आता है भाई कि आप सोच भी नहीं सकते। और लास्ट में प्राइम उसे ख़त्म ही कर देता है जिसने आपको बोला था कि मैं ही मारूंगा, इसलिए चुनौती भी दिया था कि मैं ही तुझे ख़त्म करूंगा, और प्राइम वही करता है। बट प्राइम भी ख़त्म हो जाती है इस मूवी में, लेकिन मैक्सिमल उसे बचा लेते हैं। इस मूवी से आपको यही सीख मिलेगी कि एक टीम वर्क भी बहुत ज़रूरी है। मूवी तो बहुत ही ज़्यादा झक्कास है भाई, आप लोग को मूवी देखनी ही चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ जाए। जय हिंद, जय भारत।